इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज सुबह 6:54 तक रहेगी। आज शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज शाम 6:25 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:21 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 3:26 से शुरू होकर 23 सितंबर की सुबह 6:44 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:55 पर शुरू हुआ था और देर रात 3:21 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की सुबह सूर्योदय से अगली सुबह 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:08 पर शुरू हो चुका है और सुबह 8:22 तक, और एक बार फिर सुबह 10:42 से शाम 6:23 तक 6:23 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:08 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:42 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:42 से शाम 6:14 तक, और शाम 7:39 से रात 1:24 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:42 से शाम 6:14 तक, और शाम 7:39 से रात 1:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:16 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:11 से 10:43 तक। मुंबई सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:01 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:12 से 10:44 तक। लखनऊ सुबह 8:57 से 10:29 तक। भोपाल सुबह 9:11 से 10:42 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से 9:59 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:02 तक।
और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9 बजे से 10:32 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ध्यान आज पुराने कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर अपने सीनियर से विचार विमर्श करेंगे। इस राशि के छात्रों या दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आज कुछ लोग आपकी बातों से असहमत हो सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं। रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। आज आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे कम समय में ही पूरा कर लेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। घर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेन देन के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। जीवन में लोगों का सहयोग बना रहेगा। सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। किसी समारोह में आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। इस राशि के व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव मिलेंगे। आज आपको दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ पिकनिक का प्लान बनाएंगे। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर लंबी बातचीत होगी। दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। लवमेट भी आज अपने साथी के बारे में घर पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। कारोबारियों को धन लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज पूरा हो जाएगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने का आपके मन में भाव आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपका मन किसी बात को लेकर उत्साहित रहेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। काम पूरा करने के लिए आज आपको थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा। धैर्य से काम करें, सब ठीक हो जाएगा। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं आज उनकी शादी की चर्चा होगी। किसी कार्य में कुछ लोग आपकी मदद करने में आनाकानी कर सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के कारण आज आप थकान महसूस करेंगे, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। आज आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, इससे रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कोई पुरानी बात आपको आज पता चल सकती है जिससे आप अचंभित होंगे, लेकिन शाम को दोस्तों के साथ समय बिताकर सब ठीक हो जाएगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे। पर्यटन से जुड़े लोगों को धन लाभ होने का योग है। आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लवमेट के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आप खुद को किसी रचनात्मक काम में लगाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। आपके काम से अधिकारी वर्ग खुश होंगे। आपकी सलाह किसी जरूरतमंद के लिए कारगर साबित होगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्रता से किया गया काम सफल होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको अपने साथी से कोई उपहार भी मिलेगा।
नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। आज आप कोई नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे जो भविष्य में आपके लिए काफी फलदायी होगा। छोटे उद्योग वाले लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। पिता के कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। किसी को उधार देने से पहले सोच विचार करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आज आप नए कार्यों की शुरुआत करने की रूपरेखा बनाएंगे। आज आप खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। आज आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। पहले से चली आ रही समस्याओं का आज समाधान निकलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी नजरों में अच्छे बने रहेंगे। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना बनाएंगे। आज आप रिश्तों के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको भी फायदा होगा। कारोबार में आ रही परेशानियां आज दूर होंगी। आज माता की सेहत में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने पर रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। कामकाज में बढ़ोतरी होगी। आज किसी अनजान व्यक्ति से अच्छी सलाह मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज छात्रों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आज माता आज आपके मनपसंद का खाना बनाएंगी, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज शनिदेव को मन ही मन प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी पवित्र नदी के दर्शन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर आप फायदे में रहेंगे। मूलांक 2, समझदारी और सूझबूझ से काम करेंगे तो उसमें आपको मनचाही सफलता मिलेगी। मूलांक 3, आपका आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा, साथ ही आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। मूलांक 4, जीवन साथी से पारिवारिक मसलों पर सलाह लेंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 5, आज का दिन शानदार रहेगा। आपको आगे बढ़ने की नई किरण नजर आएगी। मूलांक 6, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई अच्छी सलाह मिलेगी। मूलांक 7, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर का खाना खाने से बचें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। मूलांक 8, घर पर खुशी का माहौल रहेगा, साथ ही एक दूसरे से तालमेल बनाकर चलेंगे। मूलांक 9, आज थोड़ा वॉक करना आपकी सेहत के लिए लाभदायक रहेगा, जिससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे, क्या दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाने से इस दिशा को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस दिशा में पीला रंग करवाने से पीले रंग से जुड़ी दिशाओं के तत्वों को हानि जरूर होती। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे कलर्स किसी न किसी दिशा से जुड़े हैं। अब इसमें कौन किसको रिवर्स कर सकता है और कौन किसको फॉरवर्ड कर सकता है, कौन किसको सपोर्ट कर सकता है, कौन किसको डैमेज कर सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा का कलर ग्रीन है, हमने आपको पहले ही बताया, तत्व कास्ट है। और येलो कलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है, सेंटर का है, साउथ वेस्ट का है। अगर आप दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाएंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा को हानि लाभ छोड़िए, जो उत्तर पूर्व, सेंटर और साउथ वेस्ट से जुड़ी दिशाएं, उन दिशाओं को, उनसे जो तत्व है, उन तत्वों को नुकसान हो जाएगा। पीले रंग का संबंध नॉर्थ ईस्ट दिशा, घर के मध्य, दक्षिण पश्चिम, घर के मध्य और ईशान दिशा से। इन दिशाओं से जुड़े तत्वों को अग्निकोण में पीला रंग करवाने से हानि पहुंचना निश्चित है। यानी माता को हानि पहुंच सकती है, आपके शरीर के पोषक तत्वों को हानि पहुंच सकती है, आपके विटामिन्स मिनरल्स कम हो सकते हैं, आपके डिफिशेंसी हो सकती है, आपको पेट की तकलीफें हो सकती हैं, हाथों में दर्द हो सकता है, छोटे बेटे को परेशानियां हो सकती हैं और जीवन में बार बार अवरोध आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं।
तो ये ध्यान दिला दूं आपको कि जब आप किसी दिशा में कोई कलर लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे इस कलर से इस दिशा को भले ही हानि ना हो, इस दिशा से उस कलर की दिशा को हानि हो सकती है और उस दिशा के साथ संबंधित एलिमेंट जो भी हैं उन एलिमेंट्स को नुकसान होगा। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग के बारे में। और वैसे भी दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाने से ये बिल्कुल आपके माता को हानि, आपके शरीर में विटामिन्स मिनरल पोषण की कमी, ये बड़ा अपेरेंटली देखा गया है। तो उम्मीद है कि इस वास्तु टिप को अपनाकर आप अपने घर का वास्तु जरूर बेहतर करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदयाति थी द्वादशी और शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि आज सुबह 6:54 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है, यानी एक महीने में ये दो बार पड़ता है, पहला कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। साथ ही वार के हिसाब से जिस दिन पड़ता है उसी के अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। आज शनिवार का दिन है इसलिए शनि प्रदोष किया जाएगा। यहाँ एक बात ये समझ लें कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है और प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल मतलब सनसेट के तुरंत बाद का समय, सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय, लिहाजा प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन शनि प्रदोष होने से आज के दिन शनिदेव की भी पूजा की जाएगी। आज शनिदेव की उपासना व्यक्ति की इच्छाओं को प्रदोष के संयोग से शनिदेव की उपासना व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली और जीवन से हर तरह की निगेटिविटी को दूर करने वाली है। इसके अलावा सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भी शनि प्रदोष व्रत किया जाता है, लिहाजा आज शनिदेव की उपासना करके कैसे आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने आसपास की हर बुराई से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रख सकते हैं, न्याय पा सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तय कर लेते हैं कि आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र। आज शाम 6:25 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज देर रात 3:21 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल हैं और इसके अधिपति देवता वसु हैं। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान, इस नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। साथ ही यह व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा का प्रतीक भी है, जबकि इस नक्षत्र का खुद का प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। इसके अलावा इसकी राशि मकर और कुंभ है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ऊर्जावान, तेजस्वी, पराक्रमी, दान धर्म में विश्वास रखने वाले, व्यावहारिक और मेहनती होते हैं। ये अपनी मेहनत से सफलता पाते हैं। ऐसे लोग साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं और यात्राएं करने में रुचि रखते हैं। इन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बातूनी भी होते हैं। साथ ही कला और संगीत के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। वनस्पति बड़े वाक्चतुर होते हैं। वनस्पतियों में धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन चीड़ के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज कोई काला कपड़ा लेकर उस पर काली उड़द की दाल रखकर शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं तो आज नीला पुष्प लेकर घर में ही भगवान शंकर को अर्पित करें। साथ ही शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज शनि प्रदोष के दिन शाम के समय सर्द रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ कर काले कुत्ते को खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रखना चाहते हैं तो आज काली गाय के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उसे बूंदी का लड्डू खिलाइए। साथ ही उसके दाहिने सींग को छूकर आशीर्वाद लीजिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रहेगी। अगर आप अपने सारे कष्ट को दूर करके एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, साथ ही शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनेश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। और अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज कौवे को रोटी खिलाइए, कौवा शनिदेव का वाहन, साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जप करें, शंग ह्रीं शंग शनेश्चराय नमः। तो वो शंग कल्याण बीज है और ह्रीं माया बीज है। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आपको हमेशा किसी न किसी चीज का भय बना रहता है जिसके चलते आप तनाव महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो काली उड़द और 2 लड्डू मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा और आप तनाव भी महसूस नहीं करेंगे। अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है जिसके चलते आपको बिजनेस में भी नुकसान हो रहा है तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, साथ ही अपने चाचा या ताऊ को काले रंग की शर्ट गिफ्ट करें, साथ ही शनिदेव के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम संयो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शंग यो रभि स्रवंतु नः। आज के दिन ऐसा करने से आपका काम करने में मन लगने लगेगा और आपके बिजनेस की स्थिति में भी सुधार रहेगा। अगर आप ऑफिस में अपने सहयोगियों का साथ बनाए रखना चाहते हैं तो आज शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें, साथ ही शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है शंग ओम शंग नमः। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में आपके सहयोगियों का साथ बना रहेगा। अगर आप अपने आसपास व्यापार और घर में पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं तो आज किसी जरूरतमंद को काला वस्त्र भेंट करें, साथ ही उसका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं तो आज किसी लोहार या बढ़ई को उसकी जरूरत की कोई वस्तु दान कर दें, साथ ही शनिदेव को मन ही मन प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, धनिष्ठा नक्षत्र और शनि प्रदोष व्रत के बारे में। आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनिदेव के कौन से उपाय करने चाहिए इसकी चर्चा हमने की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर 3:26 से शुरू होकर 23 सितंबर की सुबह 6:44 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। बता दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है, माना जाता है। इस दौरान लेन देन करना, व्यापारिक सौदे करना, घर में लकड़ी का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी का ठीक करना जैसे कार्यों से बचना चाहिए। लिहाजा आज से 23 सितंबर तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखो वुड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड वर्क लकड़ी कहा जाता है, तिल और काष्ठ संग्रह भी नहीं करना चाहिए, लकड़ी इकट्ठी भी नहीं करनी चाहिए, लानी भी नहीं चाहिए, वुड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, किसी पुरानी बात को लेकर सोच विचार में रहेंगे लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। बी, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सी, संचार साधनों से आपको फायदा होगा, साथ ही आपके उलझे हुए मामले सुलझेंगे। डी, आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। ई, आपके लिए आज का दिन खास होगा, कुछ नए अनुभव आज आपको मिलेंगे। एफ, ऑफिस में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा जिससे आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। जी, किसी काम में आपको कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपका काम पूरा होगा। एच, आज आपको अपनी खास चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आई, लव मेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी पार्क में घूमने जा सकते हैं। जे, अचानक आपके अंदर कुछ बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे। के, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिससे आप उसके साथ खूब सारी बातें करेंगे। एल, छात्र आज ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपके सब्जेक्ट में आ रही परेशानियों का हल मिलेगा। एम, अचानक आपको धन लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एन, विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा,
जीवन साथी से आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। ओ, जिस अच्छे मौके का आपको इंतजार था वो मौका आज आपके सामने आएगा। पी, बिजनेस की प्लानिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, ये फैसला आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यू, घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, सभी लोग एक दूसरे से प्यार से बोलेंगे। आर, बिल्डर्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है, अचानक आपको अच्छा मुनाफा होगा। एस, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझेगा जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। टी, पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। यू, काम अधिक होने से तनाव बढ़ सकता है, शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर राहत महसूस करेंगे। वी, कोई भी काम आप जल्दबाजी से न करें, नहीं तो आपका वो काम आपको दोबारा करना पड़ सकता है। डब्ल्यू, वित्तीय मामलों में आप समझदारी से काम लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्स, मन में वैचारिक उथल पुथल हो सकती है जिससे आप किसी विचार में डूबे रहेंगे। वाई, बिजनेस में कोई नई परियोजना लागू करना चाह रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। जेड, कामकाज के मामले में चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी जिससे आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अष्ट विनायक में से एक और विनायक मंदिर के दर्शन। आज कीजिए आप मयूरेश्वर मंदिर के दर्शन, जिन्हें श्री मोरेश्वर विनायक भी कहा जाता है। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर पुणे जिले के मोर गांव में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान गणेश के अष्ट विनायकों का प्रारंभ और अंत बिंदु दोनों ही माना जाता है। मान्यता है कि दैत्यराज सिंधु के वध के लिए यहां भगवान गणेश ने मयूरेश्वर का रूप लिया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए मयूरेश्वर भगवान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मध्यमा उंगली के बारे में। मध्यमा यानी हाथ की उंगली और सबसे लंबी उंगली। हाथ में ये उंगली किसी व्यक्ति की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और अनुशासन को दर्शाती है। सामान्यतया हमारी उंगली तीन भागों में बटी होती है। उसके आधार पर अगर हम मध्यमा उंगली के बारे में बात करें तो जिस किसी की मध्यमा उंगली का पहला यानी ऊपर वाला भाग अन्य भागों की अपेक्षा ज़्यादा लंबा हो तो उस व्यक्ति का झुकाव धार्मिक कार्यों की तरफ होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के मामलों में काफ़ी रुचि लेता है, साथ ही कुछ रहस्यवादी चीज़ों के अध्ययन की ओर भी लगा रहता है। दूसरी तरफ अगर किसी की मध्यमा उंगली का दूसरा हिस्सा ज़्यादा लंबा हो तो वो व्यक्ति शेयर संबंधी काम करने में रुचि रखता है। वो केमिस्ट्री और ये आपके बायोफ्यूल या लोहा मशीनरी से संबंधित कामों की तरफ भी आकर्षित रहता है। जबकि मध्यमा उंगली के तीसरे भाग के लंबा होने पर व्यक्ति चालाक और स्वार्थी किस्म का होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा मध्यमा उंगली के बारे में। और अब बात अवॉर्ड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 6:54 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल त्रयोदशी तिथि चल रही है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपकी संतान के लिए कष्टकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि कल सुबह 5:59 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है, अतः कल सुबह 5:59 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल यानी उसकी अगली सुबह 5:59 तक तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में एक पेन रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।